हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन। बच्चों, आज आपका सब्जेक्ट है अल्फाबेट। उसमें आपको इंग्लिश की 4 लाइन की नोटबुक लेनी है। बच्चों, इसमें हमने लास्ट वीडियो में कौन से 2 लेटर लिखे थे? बच्चों, के फॉर काइट और एल फॉर लायन, ये दोनों लेटर हमने लिखे थे। अब हम उसके आगे का लेटर लिखेंगे। बच्चों, L फॉर लायन के बाद कौन सा लेटर आता है? M फॉर मंकी। तो आपको अपनी मम्मी को बोलना है कि आपको इस तरह से एक बड़ा वाला M लिख कर दे, फिर आपको नीचे यहाँ पे बॉक्स करके दे, उसमें आपको M लेटर लिखना है। बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये M लेटर ट्रेस करना है। तो आपको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर यहाँ से ऊपर लेकर कर्व करके स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर यहाँ से दूसरा कर्व करके स्टैंडिंग लाइन बनानी है। बच्चों, कितना इजी है। एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी, इस तरह से आपको बोलते हुए ट्रेस करते जाना है। बच्चों, स्टैंडिंग लाइन, कर्व और दूसरा कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, दूसरा कर्व। तो कौन सा लेटर बनेगा बच्चों? एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी, इस तरह से आपको बोलते हुए ट्रेस करना है। बच्चों, तो देखो बच्चों, हमने ये एम लेटर ट्रेस कर दिया। अब हम यहाँ नीचे लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले ये जो ब्लू लाइन है वहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। बच्चों, फिर ऊपर लेकर कर्व और दूसरा कर्व करना है। तो कौन सा लेटर बनेगा बच्चों? एम फॉर मंकी। इस तरह से आपको बोलते हुए लिखते जाना है। बच्चों, आपको भी मेरे साथ लिखना है। बच्चों, ये कौन सा लेटर है? एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी, इस तरह से आपको बोलते हुए लिखना है। बच्चों, एम फॉर मंकी। एम पर से दूसरे कौन से वर्ड्स बनते हैं बच्चों? एम फॉर मैप, एम फॉर मोटरसाइकिल, एम फॉर माउस, एम फॉर मंकी, एम फॉर मून, एम फॉर मैन, एम फॉर माउस, ये सारे वर्ड्स भी बनते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, मैंने आपको 4 लाइन में एम लिखकर बताया है। सेम उसी तरह से आपको ये जो ब्लू लाइन है उसमें ही एम लिखना है। बच्चों, तो आपको ये जो 3 लाइन है वो होमवर्क में कंप्लीट करनी है। अब हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं। एन के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? एन फॉर नोज। तो पहले आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर इस तरह से कर्व करके नीचे तक लेकर जाना है। बच्चों, एम लेटर में हमने 2 बार ऐसे कर्व किया, तो आपको एन लेटर में 1 बार ही ऐसे कर्व करना है, स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से कर्व करना है। बच्चों, तो कौन सा लेटर बनेगा? एन फॉर नोज, एन फॉर नोज, इस तरह से आपको बोलते हुए ये लेटर ट्रेस करना है। बच्चों, एन फॉर नोज। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे ये लेटर ट्रेस कर दिया। आप सब भी मेरे साथ कर रहे थे, तो आप सबका भी हो गया होगा। तो चलो हम यहाँ पे एन लेटर लिखते हैं। तो आपको ये जो ब्लू लाइन है वहां से स्टार्ट करके ये ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर ऊपर लेकर जाके कर्व करना है। तो कौन सा लेटर बनेगा बच्चों? एन फॉर नोज, एन फॉर नोज,
एन फोर नोस। इस तरह से आपको बोलते हुए लिखना है बच्चों। एन पर से दूसरे कौन से वर्ड्स बनते हैं बच्चों? एन फोर नेट, एन फोर नाइन, एन फोर न्यूज़पेपर, एन फोर नेस्ट, एन फोर न्यूडल्स। ये सारे वर्ड्स भी बनते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, मैंने आपको ये फोर लाइन में लिखकर बताया है। उसी तरह से आपको ये जो नीचे की जो थ्री लाइन है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। तो बच्चों, आज हमने कौन से दो लेटर लिखे? एम फोर मंकी और दूसरा लेटर था एन फोर नोस। तो ये दोनों लेटर आपको इंग्लिश की फोर लाइन में लिखकर कंप्लीट करना है बच्चों, और अच्छी तरह से लर्न करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब हम आगे का लेटर सीखेंगे बच्चों। तब तक आपको ये लेटर अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।